मजदूरों को वापस लाया जा रहा है और इसी क्रम में हरियाणा से 15 मजदूरों को लखनऊ लाया गया, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने भी लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला आपको भी दिखाते हैं। पहले दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को सरकार वापस लाई, अब जो दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे थे उनको लाने की कवायद शुरू हो गई। आपको बता दें इस समय राजधानी में पहली बस आई है जो कि हरियाणा से आई है, उसमें लगभग 15 मजदूर राजधानी लखनऊ लाए गए हैं और यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास जो एक बड़ा लगभग 2000 लोगों को रखने का एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वहां पर लाए गए हैं सारे मजदूर। यहाँ पर इन लोगों को रखा जाएगा। हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पर इनका निरीक्षण कर रही है, लगातार सारी मेडिकल टीम है, प्रशासनिक टीम है, सब लोग लगे हुए हैं। कुछ मजदूर हैं उनसे पूछते हैं कि अब अपने प्रदेश वापस आकर के कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सागर जी। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से, वहाँ क्या करते थे? वहाँ से नहीं, लुधियाने से, पहले लुधियाने में था फिर हरियाणा में आया। तो लॉकडाउन में आप फंस गए थे, अब सरकार ने आपको अपनी व्यवस्था से वापस यहाँ बुलाया है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? हमें तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा ही है। बिल्कुल, इनके चेहरों पे कहीं ना कहीं हंसी है, खुशी की वो लहर जरूर है क्योंकि अपने जो जनपद है वहाँ ये लोग वापस आ गए हैं और यहाँ सभी की जो स्कैनिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा और साथ में यहाँ की उप जिलाधिकारी हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने मजदूर लाए गए। मैडम कितने मजदूर यहाँ पर लाए गए हैं? जी अभी तो हमें 15 की सूची मिली है जिसका हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जो भी लखनऊ के लोग होंगे उनको हम लोग यहाँ पे एडमिट करेंगे। अच्छा मैम, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मजदूरों को रखने की, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए यहाँ अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें 100-100 गद्दे गद्दों की सुविधाएं हैं, तो एक ब्लॉक में लगभग 100 लोग आ जाएंगे, प्रॉपर 2 गज की दूरी के साथ दूसरे बेड्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मजदूर आते हैं तो उन्हें सोने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, प्रॉपर उनकी पूरी सुविधा। बात करें तो जिस तरह से सरकार ने मजदूरों को अपने प्रदेश वापस लाने की बात की थी, ऐसे में राजधानी की क्या पहली खेप है जो लाई गई मजदूर? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली खेप है, ये हरियाणा से आए हैं ये मजदूर और अभी 15 की सूची है, देखते हैं इसमें लखनऊ के कितने हैं, संभवतः 14 तो होंगे। बिल्कुल, अभी सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ की जो जिलाधिकारी, उन्होंने बताया कि ये लखनऊ पहली बार यहाँ के मजदूर लाए गए हैं जो हरियाणा में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। ऐसे में जिस तरह से सरकार ने मंशा जताई थी कि जो भी बाहर मजदूर गैर जो स्टेट है वहां पर फंसे हुए उनको उत्तर प्रदेश लाने का काम किया जाएगा, ऐसे में देख रहे हैं कि हर जिलों से ये खबरें आ रही कि वहां पर बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।